आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रही है। इसी क्रम में नारायणा ई टेक्नो विद्यालय बोरीवली मुंबई में नारायणा समूह द्वारा परीक्षा पे चर्चा का आयोजन बोरीवली पश्चिम श्याम कुंज बैंकेट हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शरणी नारायण पोंगरू, मैनेजिंग डायरेक्टर नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल, ने छात्रों से चर्चा किया एवं उनकी समस्या शंकाओं का समाधान किया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को अंतिम समय पर परीक्षा की तैयारी से संबंधित कई सुझाव दिए व परीक्षा की रणनीति पर अपना सुझाव साझा किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सभी विषयों के विशेषज्ञ मौजूद थे। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर शिक्षकों ने विस्तार पूर्वक समझाया। छात्रों ने नारायणा विद्यालय के माइक्रो शेड्यूल व दैनिक अभ्यास परीक्षा DTP को लाभदायक बताया व अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। दैनिक अभ्यास परीक्षा व पुनरावृत्ति द्वारा विद्यार्थियों को त्रुटि सुधार कर आत्मविश्वास बढ़ाने में वृद्धि का अवसर प्रदान किया गया। सभी छात्र अपनी समस्या का समाधान पाकर काफी संतुष्ट नजर आए। नारायणा प्रबंधन की ओर से DGM ज्योति मेदुरी, R&D विभाग से कल्याण कुमार, राज्य समन्वयक सैयद खान, क्षेत्रीय समन्वयक गणेश चौकारपू, प्रचार लता मन्नम, प्रचार विद्याबी व सभी शिक्षक उपस्थित थे। सॉफ्ट स्किल HOD वेदा वेदवती व नारायणा समूह मुंबई के सभी प्रचार कार्यक्रम में उपस्थित थे। उपस्थित सभी अतिथियों व शिक्षकों ने आगामी परीक्षा के लिए छात्रों को शुभकामनाएं प्रदान की। इस कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र व अभिभावक तनाव मुक्त व प्रसन्न नजर आए। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज जो परीक्षा पे चर्चा नारायणा विद्यालय की तरफ से आयोजित की गई थी, पिछले 1.5 साल में कोविड की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में थे, लिखने की उनको बिल्कुल भी अभ्यास बिल्कुल भी नहीं रह गया था लिखने का, तो उनके मन में बहुत सारी शंकाएं थी कि हम उतने कम समय में अपना पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे या हम कैसे लिखेंगे, हमको लिखने का अभ्यास नहीं रह गया है। तो वो सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उसके बाद में बच्चे बहुत अपने आप को तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे, उनकी शंकाओं का समाधान हुआ और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद में अब उनका जो परिणाम है वो उनकी मेहनत के अनुसार, हमारी आशा के और उनकी आशाओं के अनुरूप रहेगा। सो वी एट नारायणा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव ऑर्गेनाइज्ड परीक्षा पे चर्चा 2022 बिकॉज स्टूडेंट्स हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड द एंटायर मोड ऑफ एजुकेशन सिस्टम वेंट ऑनलाइन ड्यू टू द एंटायर कोविड क्राइसिस। So because of that, I'm sure examinations are appearing soon from April and students have so many doubts, so many concerns. So we have organized this program Pariksha Pe Charcha 2022 so that the students can clarify their concerns and doubts. We are present here with the panel members. So the students have addressed their concerns and I'm sure they're satisfied. ऐसे मोटिवेटिंग स्पीच से और ऐसे सेमिनार से बच्चों के एग्जाम पे कितना अच्छा प्रभाव। मिसेस ज्योति रिप्रेजेंटिंग नारायणा इंस्टीट्यूशंस मुंबई। Narayana Institution started in Mumbai in 2015. Since then, it has been doing really wonderful. We really thank all the parents for believing us and giving their students. And we have never disappointed any parent. We have come up to their expectation. We have come up to the expectation of the students. All the students who have joined and who have passed out of Narayana are really doing very well. They have excelled in their respective fields and many students have gone into the premium IIT institutes and in all the excellent institutes across the country. We are very proud that, you know, Narayana students are